नमस्कार। हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं पल्लवी शर्मा पेश करते हैं अभी तक के मुख्य समाचार। पानी की गुणवत्ता की रैंकिंग में शिमला को मिला 7वां स्थान, मुंबई पहले स्थान पर। अनुराग ठाकुर ने जताई धर्मशाला में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाने की इच्छा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश, आईआईटी कैंपस में चल रहे प्राइवेट स्कूल होंगे बंद। परमार बोले आगामी जनवरी माह से बनाए जाएंगे हिमकेयर योजना के तहत नए गार्ड। स्पोर्ट्स एंड एंटी ड्रग एसोसिएशन ने आयोजित करवाई T20 क्रिकेट प्रतियोगिता। ऊना में रंगड़ों के काटने से बिहार के निवासी की मौत। राफेल मामले में राहत के बाद कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर, दोपहर के समय रोहतांग सुरंग से गुजरेगी HRTC बस। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज देश के अलग अलग हिस्सों में पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट और रैंकिंग जारी की, जिसमें मुंबई को पहला स्थान दिया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को 7वां स्थान हासिल हुआ है। इसी क्रम में मुंबई के बाद हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची और रायपुर टॉप 5 शहर के तौर पर उभरे हैं। जाहिर है कि केंद्र सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को देश भर के 21 शहरों से पानी के नमूने एकत्र कर उनकी जांच करने और उसके अनुरूप शहरों की रैंकिंग करने का जिम्मा दिया था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे धर्मशाला को खेलों के केंद्र के रूप में देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर यहां बने। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और लक्ष्य के बिल्कुल निकट हैं। अगर प्रदेश सरकार यहां हमें भूमि प्रदान करती है तो वे यहां पर 2 साल में ये सेंटर बनाकर तैयार कर देंगे, ताकि धर्मशाला में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हों। टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अनुराग ने हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन को 100 टेबल देने की घोषणा की। IIT के कैंपस में चल रहे प्राइवेट स्कूलों को अब बंद करने का आदेश जारी हो गया है। IIT मंडी के पूर्व कर्मचारी सुजीत स्वामी और IIT गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश राय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। बता दें कि इन दोनों ने देश के 9 IIT संस्थानों में चल रहे प्राइवेट स्कूलों को लेकर 30 अक्टूबर 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें IIT मंडी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी पार्टी बनाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की हिमकेयर योजना के तहत नए कार्ड आगामी जनवरी माह से बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमकेयर के तहत अब तक 5.5 लाख परिवारों को पंजीकृत किया जा चुका है तथा 1 वर्ष पुराने कार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत शेष लगभग 1,96,000 परिवार नजदीकी लोक मित्र केंद्र में आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाकर अपने गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें कोई परेशानी ना हो। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। स्पोर्ट्स एंड एंटी ड्रग एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की ओर से विश्व कॉटन स्कूल शिमला में T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। प्रतियोगिता का पहला मैच राज्यपाल एकादश और प्रेस एकादशी के बीच हुआ, जबकि दूसरा मैच मुख्यमंत्री एकादश और चेयरमैन एकादश के बीच खेला गया। कल प्रातः 10 बजे CM जयराम ठाकुर फाइनल मैच का शुभारंभ करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री एकादश और प्रेस एकादश के बीच कड़ा मुकाबला होगा। ऊना जिले के थाना अंब के तहत गांव चक बेहड़ जसवा में रंगड़ों के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।
रंगड़ू के हमले से घायल गंगाराम पुत्र विकास पासवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गंगाराम बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि ऊना जिले से सामने आया ये तीसरा मामला है। इसके अलावा पिछले महीने मंडी में रंगड़ों के काटने से करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज प्रदेश भर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जमकर अपना गुब्बार निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राफेल मामले में भ्रामक बयानबाजी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेसी नेताओं को सबक लेना चाहिए और भविष्य में बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। रोहतांग दर्रा में 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। जिला कांगड़ा की धौलाधार की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से हिमाचल ठंड की चपेट में आ गया है। इसी बीच निर्माणाधीन रोहतांग सुरंग से रोजाना HRTC बस की आवाजाही को मंजूरी मिल गई है। बस दोपहर के समय लंच ब्रेक के दौरान सुरंग से गुजरेगी। इससे सुरंग का कार्य प्रभावित नहीं होगा और लाहौल वासियों को भी सुविधा मिल जाएगी। बस रोजाना सुबह 11 बजे मनाली से सोलंग नाला की तरफ रवाना होगी और रोहतांग सुरंग से गुजरने के बाद लाहौल की ओर सुरंग के उत्तरी छोर से 1:30 बजे तक वापस आ जाएगी। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।